चेंज नहीं किया बजट में, सेम बजट। ईगो थी कि हम हमारा जवाब दो, दे दिया भाई साहब, आपके पैर छू लिए, पैर छू लिए उनके, उनके हाथ सामने हाथ जोड़ लिए, जो मांगा उन्होंने जवाब दे दिए, आज वापस आ गया, बजट अप्रूव हो गया। अहंकारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि पहले तो केंद्र सरकार ने असंवैधानिक तरीके से दिल्ली का बजट रोका, फिर जब उनके सवालों का जवाब दिया तो उन्होंने वही बजट तुरंत मंजूर कर दिया जिसको पहले रोक लिया था। दरअसल दिल्ली सरकार को 21 मार्च को बजट पेश करना था, जिसके लिए उसने 10 मार्च को ही बजट की फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय को भिजवा दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ सवालों के साथ फाइल 17 मार्च को दिल्ली सरकार को भेजी। दिल्ली सरकार का दावा है कि बजट की फाइल 17 मार्च को मुख्य सचिव को भेजी गई, लेकिन मुख्य सचिव ने 20 मार्च की दोपहर तक सरकार को इसके बारे में सूचित नहीं किया। इस मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के रोल की जांच विधानसभा की विशेषाधिकार समिति करेगी। मामला मीडिया में उछलते ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप चले, फिर बजट की फाइल बुलेट ट्रेन की स्पीड से मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूर होकर दिल्ली सरकार के पास आ गई। 2 करोड़ दिल्ली की जनता ने एक सरकार चुनी, एक सीएम चुना काम करने के लिए। अगर हर चीज में इस तरीके से अगर वो तंग करना है उनको और अगर काम नहीं करने देना तो अध्यक्ष जी मेरे ख्याल से फिर कोई फायदा नहीं है। जब कैबिनेट ने बजट को अप्रूव करके एलजी को भेज दिया, जब सारी चीजें एज पर जो लीगल प्रोसीजर है उसके द्वारा हम चल रहे हैं तो फिर किस बात का ऑब्जेक्शन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का एतराज था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर आवंटन कम है, विज्ञापन पर ज्यादा, जिसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 20,000 करोड़ रुपए है, जबकि विज्ञापन पर पिछली बार जितना 500 करोड़। दिल्ली का बजट अब 21 मार्च की बजाय 22 मार्च को पेश होगा, मंगलवार की बजाय बुधवार को पेश होगा। देखने में ये बहुत छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इससे बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के आरोपों और दावों से अलग भी इस बात की जांच वाकई में होनी चाहिए कि आखिर दिल्ली का बजट पेश होने में देरी हुई तो आखिर क्यों। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी गौरी प्रसाद के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।